हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड इडली। इडली तो सभी बना लेते हैं, चाहे आप चावल की बनाएं चाहे रवा की। इडली बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे किस तरीके से फ्राई किया जाए कि खाने में टेस्टी लगे और बच्चों को भी पसंद आए। तो आज हम आपके साथ फ्राइड इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इडली है इन्हें बना लिया था। ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है। इस प्रकार हमने सारी इडली को बनाकर रेडी कर लिया है और इसे अब कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप छोटे या बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इडली में से 6 पीसेस कट किए हैं, आप चाहें तो 4 पीसेस भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सारी इडली को कट कर लेते हैं। इस तरीके से सॉफ्ट इडली कैसे बनाएं, अगर इसकी रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही डालकर रखी हुई है। और यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ते और एक बड़ा सा टमाटर। अब इन सारी सब्जियों से हमारी जो इडली है काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। चलो जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस को ऑन करके एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। हमने वेजिटेबल ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें हम डाल देंगे राई 1 टीस्पून। राई को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को 2-2 मीडियम करते हुए इन सब्जियों को हम फ्राई कर लेते हैं। और ये कड़ी पत्ते हमने शुरू में नहीं डाले हैं। कड़ी पत्तों को हम ऑयल में डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ आते हैं, तो आंखों को जलने का डर रहता है, इसलिए हमने पहले हरी मिर्च और प्याज के साथ इसे डाला है। तो ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। थोड़े से इसमें हम डाल देते हैं हरी मटर पेस्ट के लिए, इसलिए हल्का सा सैलो फ्राई कर लेते हैं। मटर हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाली है। जैसे कि मटर और प्याज भी फ्राई हो जाए हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर, इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार जैसा आपकी आप खाते हो। नमक हमने पहले इडली में भी डाला है। मिक्स कर लेते हैं। टमाटर थोड़े से फ्राई हो जाए इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस बहुत थोड़ा सा। मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक पास्ता मसाला, इसे हम कटोरी में डाल लेते हैं। पहले अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाला है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम डाल देते हैं कढ़ाई में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो ये पानी है जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया हमने और बचा कर रखा है आगे के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को 2-2 मीडियम करते हुए जो मसाले में जो ऑयल है वो निकलने लगे, गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। ये देखिए जो साइड पे आपको दिख रहा है ये ऑयल निकलने लगा है इसमें। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें कटी हुई इडली जिसे हमने अभी कट करके रखा था। इसे मसालों के साथ अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप फ्राइड इडली बनाते हैं तो ये बच्चों को तो काफी पसंद आती ही है और बड़ों को भी काफी पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए।
अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिए ताकि जो मेरी वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं ताकि जो इसका कलर है और भी ज़्यादा अच्छा लगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। ओके, फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे सर्व कर लेते हैं। देखते रहिए आप मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।